गाइस क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2022 लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन इस महाकुंभ का सबसे बड़ा मुकाबला 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होने वाला है, जहां भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे। पर इस मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज अकीब जावेद ने इंडियन टीम के साथ एक माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है ताकि इंडियन टीम का मोराल डाउन हो सके। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम की जो हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो उनके पास बल्लेबाज फॉर्म में है, ना ही गेंदबाज, और बुमराह के बगैर तो बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल कमजोर हो चुका है। उनके जो भी गेंदबाज हैं वो आम मध्यम गति के गेंदबाज हैं, यानी कि इंडियन टीम में हमारे शाहीन या हारिस जैसा कोई भी बॉलर नहीं है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे सुरेश रैना ने और कहा है कि आ जाओ, इस बार मैच दिवाली पर ही है, देख लेंगे इनको किसमें कितना है दम। वैसे गाइस सुरेश रैना ने तो आकिब को मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया, लेकिन आपका इस पाकिस्तानी बॉलर के लिए क्या जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस क्या आपको पता है कि आपके फ्रिज में रखा हुआ पीनट बटर मात्र खाने की ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आप डायमंड भी बना सकते हो। जी हाँ गाइस, पीनट बटर में इतना ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है कि वैज्ञानिक इससे हीरा बना सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिक इस प्रोसेस में पीनट बटर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सारा का सारा ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, जिससे उसमें सिर्फ कार्बन ही बचता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए एक अप्रोप्रिएट प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत होती है, जिसके तहत इसके कार्बन को डायमंड में बदला जा सकता है। लेकिन यह प्रोसेस हम और आप घरों में नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट द्वारा स्पेशल विजन में साइंस लैब्स में ही अंजाम दिया जा सकता है। वैसे गाइस जो भी है, लेकिन पीनट बटर हमारी सेहत के लिए तो एक डायमंड ही है। वैसे आप नाश्ते में पीनट बटर खाते हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने माता पिता के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने गए थे, तो उनके हेडमास्टर ने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए उनका पूरा नाम पूछा, तो लाल बहादुर जी ने अपना पूरा नाम लाल बहादुर ही बताया, जबकि उनका पूरा नाम लाल बहादुर वर्मा था। हेडमास्टर ने फिर से कहा कि बच्चे अपना पूरा नाम बताओ, तो फिर लाल बहादुर जी ने फिर से अपना नाम लाल बहादुर ही बताया और कास्ट बताई नहीं। अब हेडमास्टर ने लाल बहादुर जी से पूछ ही लिया कि बेटे तुम अपने नाम के आगे अपना सरनेम नहीं लगाना चाहते हो क्या? और तब बालक लाल बहादुर जी ने तुरंत जवाब दिया, सर मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और नाम से होनी चाहिए, सरनेम में क्या रखा है। सरनेम व्यक्ति की जाति और धर्म का बोध करवाता है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। छोटे से बालक की ये बात सुनकर हेडमास्टर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने लाल बहादुर जी के विचारों का सम्मान करते हुए उनके नाम के आगे से वर्मा सरनेम हटा दिया। गाइज ये वही लाल बहादुर जी हैं जो आगे चलकर देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। गाइज आज गांधी जयंती है, तो चलिए उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य जानते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। नंबर वन, गांधी जी 70 साल की उम्र में भी रोजाना 10 किलोमीटर तक पैदल चलते थे, और कहा यह भी जाता है कि वो अपने पूरे जीवन काल में इतने चले थे कि उससे वो पृथ्वी के दो बार चक्कर लगा सकते थे। नंबर टू, एक अजब सा संयोग है कि गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था और भारत को स्वतंत्रता भी शुक्रवार को ही मिली थी, और वहीं संयोग से गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। नंबर थ्री, गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी प्लेन में नहीं बैठे, उन्होंने ट्रेन से ही हमेशा सफर किया, यहां तक कि वो कभी अमेरिका भी नहीं गए। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने साल 1930 में उन्हें मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। नंबर चार, गांधी जी की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गांधी जी के नाम पर सड़कें सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी बनाई गई थी, जिसमें भारत में उनके नाम पर 53 सड़कें बनी हैं और वहीं विदेशों में 48 सड़कें बन चुकी हैं। गाइज गांधी जी के इस महान जीवन और उनकी उपलब्धियों के लिए एक कमेंट और एक हार्ट तो बनता है। थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में।